हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए मैं वेट कर रहा था वो सारी इन्फॉर्मेशन अब आने लग गई हैं, और जो एक्सपेक्टेड था, जो मैंने बताया था, डिट्टो वही चीज़ होने जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं, रैपिड मेट्रो के अब कौन कौन से कॉरिडोर फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो गए हैं, या कह लीजिए पाइपलाइन में आ गए हैं। इसमें हर वो एरिया है जहां पर सॉरी अब प्रॉपर्टी बूम करेगी। मैं पहले बता दूं, दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, ठीक है, एक ये कॉरिडोर है। आठ कॉरिडोर है, इनमें से तीन प्रायोरिटी में है। पहले मैं आठ का बता दूं, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, जो ऑलरेडी रनिंग में आ गया है, काम कंप्लीट होने वाला है। दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़, उसके बाद दिल्ली बहादुरगढ़ और रोहतक, फिर दिल्ली शाहदरा बड़ौत, गाजियाबाद खुर्जा, गाजियाबाद हापुड़। इनमें से तीन पहले कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ पहली प्रायोरिटी में, दिल्ली गाजियाबाद अलीगढ़, ये तीन फर्स्ट में खत्म करेंगे। इसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। मैंने भी एक आरटीआई डाली थी इन एरियाज में, खासकर जिनका मैंने आपको बताया था लाल कुआं से दादरी वाला रूट, उनका भी जवाब आ गया। उन्होंने ये बोला था कि सर, जो शहीद स्थल से लाल कुआं तक का सेक्शन है, वहां पर हम मेट्रो नहीं दे सकते, और रीजन बिहाइंड वो समझ में आ रहा था उस पर्टिकुलर हिस्से के लिए। लेकिन ये जो रैपिड मेट्रो अब प्लान बना है खुर्जा तक का, ये जो लाल कुआं, क्योंकि इसका रूट मैं देख रहा हूँ, ये लाल कुआं से ही होते हुए सीधा दादरी होते हुए जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला था आपको कि NH-91 पर चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी आने वाले टाइम पर, तो वो जो पूरा सेक्शन है लाल कुआं, छपरोला, दादरी, ये पूरा का पूरा इलाका एकदम नया हाइप क्रिएट करेगा। यहाँ पर जो फ्यूचर में इनका प्लान है, उसके मैप्स के अकॉर्डिंग ये रैपिड मेट्रो लाएंगे, और रैपिड मेट्रो का रीजन भी है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इसलिए रैपिड मेट्रो आनी थी। तो ये अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है। अभी भी अगर कोई बाइंग करना चाह रहे हैं लोग उन एरियाज में, तो इमिडिएट बेशक करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस जमीन ठीक से देखें, चीजें समझें, और उसके बाद बाइंग करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेटर वो ऑप्शन है ही नहीं कोई। आप अभी जमीनें उठाएंगे, हो सकता है दूर की जमीनें उठाएं, कहीं सस्ती हो, 12-15-14 हज़ार रुपये गज, रहने के लिए उठानी है 35-40 हज़ार रुपये गज, 25 हज़ार रुपये गज, क्योंकि अब थोड़े टाइम बाद इसके रेट दौड़ जाएंगे। और ये जो सर्वे की बात हम कर रहे थे कि सर्वे हो रहा है, चार गुना रेट बढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये सब एक लिंक्ड है पूरा पूरा एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो सर्वे इसीलिए हो रहे हैं, सर्किट रेट शायद इसीलिए बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जो इनका प्लान है ना, नेचुरल है, जब रैपिड मेट्रो आएगी तो एरिया तो पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा। और वहां से जो शहीद स्थल से लाल कुआं वाला सेक्शन है, उसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग में ये है कि शायद हो सकता है वो रोप वे शहीद स्थल से स्टेशन तक वो लेके आए, और ऑलरेडी रोड्स आगे चौड़े किए जा रहे हैं। तो दिल्ली से जो मेट्रो रैपिड वाली आएगी, वो जहां तक है लाल कुआं या उस रूट को लेते हुए दादरी के लिए, ये आगे बढ़ेगी, और मैप मैंने आपको दिखाई दिया है उसमें जो इनका प्लान है, ठीक है। यही मोटी मोटी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी, कि प्रॉपर्टीज आप बाइंग अप कर सकते हैं, और कर ही रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन और अग्रेसिवली आगे बढ़िए, कहीं भी करिए इन रूट्स पे जो सही हो, लेकिन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।